सुजानपुर टेहरा में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता माननीय शिक्षा निर्देशक हिमाचल प्रदेश अमरजीत कुमार शर्मा ने की। वहीं उन्होंने बताया कि शिक्षा हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। शिक्षित व्यक्ति क्षेत्र में तरक्की कर सकता है और बिना शिक्षा के जीवन बेकार है। उन्होंने बताया कि शिक्षित व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकता है और समाज के लिए भी अच्छे कार्य कर सकता है, जिस पर उन्होंने बताया कि आज शिक्षक क्षेत्र ने मंदिर के बजाय व्यापारिक रूप धारण कर लिया है, जिसको लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त की है। वहीं उन्होंने बताया कि शिक्षक के बिना आदमी आने वाले समय में जीवन की मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह सकता है। आज कंप्यूटर युग में हर चीज कंप्यूटर के माध्यम से भेजी जा रही है। आज पत्राचार का माध्यम बहुत ही कम हो गया है। वहीं कार्यक्रम में कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा लोक नृत्य की प्रस्तुति दी गई और स्कूल प्रशासन और कॉलेज प्रशासन द्वारा पहली बार सब बच्चों के लिए धाम का आयोजन भी किया गया। सबसे ज्यादा एक जरूरत है कि हम उन संस्कारों को, उन उच्च कोटि की परंपराओं को, उस उत्तम इतिहास को लेकर के, अपने मन में लेकर के, अपनी उत्तमता को, अपनी उच्च श्रेष्ठ जो हमारी जो सोच थी उसको लेकर के आगे बढ़े। और आज की दूसरी सबसे बड़ी जो एक्सपेक्टेशन मैं कहता हूँ, आज जितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, कहीं किसी जगह बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे जहाँ अगर हाई स्कूल है तो हाई स्कूल तक बच्चे पढ़ते थे ज्यादातर लड़कियों के। इस अवसर पर कॉलेज प्रधानाचार्य अनिल गौतम, डॉक्टर हरदेव सिंह जम्बाल, हमीरपुर प्राचार्य डॉक्टर सत्येंद्र सिंह शर्मा नादौन, मोतीलाल शर्मा सेवानिवृत्त प्राचार्य प्रमोद शर्मा सहित अन्य कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।